हाय गाइज, आज हम आपको बताएंगे एयरटेल बेस्ट एपीएन सेटिंग के बारे में। तो गाइज, अगर आपको ये सेटिंग करने नहीं आते हैं तो गाइज इस वीडियो के शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि गाइज अगर आप कोई भी जैसे पबजी या फ्री फायर खेलते हो तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाते हैं या वहाँ पे आपको पिंक हाई हो जाता है। तो फ्रेंड, आज मैं वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन सेटिंग को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड ऊपर में लिखा रहेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड नीचे आ जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड अपना सिम सेलेक्ट कर लेंगे। सिम सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड नीचे आ जाएंगे। फ्रेंड नीचे लिखा रहेगा प्रीपेड नेटवर्क टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड अगर यहाँ पे आपको 3G 2G ऑटो पर होगा तो फ्रेंड सबसे ऊपर में कर देंगे 4G 3G 2G ऑटो पे। तो फ्रेंड यहाँ ऊपर में कर देंगे क्लिक। ऊपर में क्लिक करने के बाद फ्रेंड नीचे आ जाएंगे। नीचे लिखा रहेगा एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड जिसे हम शॉर्ट नेम में बोलते हैं APN। तो फ्रेंड इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड ऊपर की तरफ प्लस का आइकन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने एक फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड इसे हम स्टेप बाय स्टेप फिलअप करेंगे। तो फ्रेंड चलिए नेम में क्लिक करते हैं। नेम में लिखेंगे एयरटेल XT इंटरनेट 4G। फ्रेंड नीचे आ जाएंगे APN में। APN में क्लिक करेंगे तो फ्रेंड APN में लिखेंगे airtelgprs.com। नीचे आ जाएंगे, प्रॉक्सी को नॉट सेंड रहने देंगे। नीचे आ जाएंगे पोर्ट, पोर्ट को भी नॉट सेंड रहने देंगे। नीचे आ जाएंगे यूजर नेम, यूजर नेम में क्लिक करेंगे। फ्रेंड यूजर नेम में जो कोड डालेंगे सेम इसी प्रकार का आपको भी कोड डालना होगा। अगर फ्रेंड आपको इस कोड को मिस करते हैं तो गाइज आपको इंटरनेट स्पीड नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड मैं अपना कोड इसमें डायल कर देता हूँ। तो गाइज यूजर नेम में टाइप करेंगे *112#। तो फ्रेंड नीचे आ जाएंगे, नीचे लिखा रहेगा पासवर्ड, पासवर्ड का भी नोट सेंड रहने देंगे। नीचे आ जाएंगे सर्वर, सर्वर में क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड सर्वर में आ जाएंगे, सर्वर में क्लिक करेंगे। सर्वर में लिखेंगे www.airtel.com। फ्रेंड नीचे आ जाएंगे, MMSC को भी नोट सेंड रहने देंगे। MMS प्रॉक्सी को भी नोट सेंड रहने देंगे। नीचे आ जाएंगे, MMS पोर्ट को भी नोट सेंड रहने देंगे। और नीचे आ जाएंगे MCC और MNC, तो आप जानते हो मेरा एरिया कोड है, इसे आप बिल्कुल मत छेड़िएगा। नीचे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा PAP, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे लिखा रहेगा APN टाइप, APN टाइप को नॉट सेंड रहने देंगे। फ्रेंड नीचे आ जाएंगे, नीचे लिखा रहेगा APN प्रोटोकॉल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड सबसे नीचे जो होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड नीचे आ जाएंगे APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड सबसे नीचे जो लिखा रहेगा IPv/4 IPv/6, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट बैरल का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो सबसे ऊपर में लिखा रहेगा अनस्पेसिफाइड, उस पर से हटा देंगे और सेलेक्ट करेंगे LTE, HSPAP और HSPA सेलेक्ट करेंगे, UMTS सेलेक्ट करेंगे, EDGE सेलेक्ट करेंगे और GPRS सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गाइज इसे हम सेव कर देंगे। तो चलिए गाइज, तो गाइज यहाँ पे सही का आइकन है, इसे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हो एक नया APN बन गया है। तो इस APN पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद चलिए मैं गाइज आपको मैं बाहर आके नेट स्पीड चेक करके दिखा देता हूँ। सो मेरा नेट स्पीड हुआ या नहीं हुआ, तो चलिए गाइज इससे बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद गाइज इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे स्पीड टेस्ट का। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो गो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पीड पहले से मेरा फास्ट हो गया है। तो गाइज आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है से किसी वाईफाई या किसी अन अदर चीज़ से कनेक्ट करके मुझे दिखा रहा है, ये मैं खुद को अपने APN बनाया हूँ जिसका स्पीड आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइज मैं APN से संबंधित वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइज चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।